पढ़वा देता हूँ। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 डेसिमल। स्टूडेंट, डेसिमल्स क्या है इसके बारे में आज पढ़ते हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि डेसिमल्स हैं क्या। स्टूडेंट, सबसे पहले तो बताता चलूं कि ये जो डेसिमल का वर्ड है, ठीक है, ये लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड डेसिमस से निकले। लैटिन वर्ड डेसिमस से निकले और डेसिमस वर्ड का मतलब होता है टेंथ, टेंथ पार्ट, ठीक है। यानी जो डेसिमल है वो लैटिन। अच्छा, एक बात और बता कि लैटिन वर्ड या लैटिन कौन सी है। लैटिन एक लैंग्वेज है, उर्दू में इसको लातिनी कहते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज थी, ये यूनान साइड की एक लैंग्वेज थी, और लैंग्वेज यूनान साइड की थी, उसको क्या कहते हैं, लैटिन है। तो डेसिमल लैटिन वर्ड डेसिमस से निकले, और जो लैटिन वर्ड डेसिमल था उसका क्या मतलब था, टेंथ, या उसको कहते थे दसवां हिस्सा। तो स्टूडेंट, डेसिमल आपके पास है, डेसिमल के आपके पास होते हैं दो। डेसिमल जो है कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। कोई भी जो डेसिमल है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होल नंबर होता है और दूसरा डेसिमल पार्ट होता है। एक आपके पास होल नंबर पार्ट होता है और दूसरा क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। अब किस तरह से स्टूडेंट, आप देखें, अगर आपके पास एक नंबर है 0.74, तो ये टू जो है पॉइंट से पहले, ये आपके पास पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होंगे वो आपके पास होल नंबर होंगे, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर होंगे वो होंगे डेसिमल पार्ट। पॉइंट के बाद वाले नंबर आपके पास क्या होंगे, डेसिमल पार्ट। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने क्या, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि डेसिमल जो है वो लैटिन वर्ड डेसिमस से निकला है, और जो डेसिमस का मतलब होता है वो होता है टेंथ, दसवां हिस्सा। और जो डेसिमल है, ठीक है, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, एक होल नंबर पार्ट होता है, एक आपके पास डेसिमल पार्ट होता है। पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो होती है वो आपके पास होल नंबर, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। तो स्टूडेंट, इसको हम डिफाइन किस तरह से कर सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो डेसिमल की डेफिनेशन आपके पास क्या है, इसकी डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी, अ नंबर विथ डेसिमल पॉइंट। इस कार्ड डेसिमल, वो नंबर जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट आ, ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, डेसिमल होगा। अब यहां देखिए एग्जांपल आपके पास में दे रहा हूं, एग्जांपल है आपके पास 2.35। अब देखिए इसमें ये पॉइंट आया हुआ है ना, ठीक है, ये आपके पास है डेसिमल पॉइंट। अब हर वो नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट होगा या जिसमें इशारिया शामिल हो जाएगा वो आपके पास कौन से नंबर होंगे, डेसिमल नंबर। अब स्टूडेंट बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल से फ्रैक्शन में नंबर्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू फ्रैक्शन। डेसिमल से फ्रैक्शन में नंबर्स को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
क्या करना है, उसमें राइट वन बिलो डेसिमल पॉइंट, कि जो आपके पास इशारिया होगा, इशारिये के बिल्कुल नीचे आपने क्या लगा देना है, वन लगा देना। दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, राइट एज मैनी जीरो एज द नंबर आफ्टर डेसिमल पॉइंट। स्टूडेंट डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे उतने आपने नीचे डिनोमिनेटर में जीरो लगा, जितने भी नंबर होंगे, अगर पॉइंट के बाद तीन नंबर है तो आप तीन जीरो लगाए। अच्छा इसके एक एग्जाम्पल में आप लोगों को साथ साथ अभी देखने चला जाता हूँ। एग्जाम्पल आप लेंगे 0.35। अब पहला हमारा पॉइंट क्या था, राइट वन बिलो डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के नीचे आपने क्या लिखी है, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके नीचे क्या आ गया, वन। पहले वाले नंबर को हमने नहीं देखना, बेशक यहाँ एक डिजिट है ना, यहाँ मैंने 25.37, हमने वन जो लगाना है वो पॉइंट के नीचे लगाना है, पहले वाले नंबर को हमने नहीं देखना, वन कहाँ लगेगा, पॉइंट के नीचे लगेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, राइट एज मैनी जीरो एज द नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, जितने ऊपर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर है नीचे उतने ही जीरो लगाएंगे। अगर ऊपर पांच नंबर है आपने पांच जीरो लगा रहे हैं, दो नंबर है दो लगाएंगे, एक नंबर है तो एक जीरो लगाएंगे। अब जिस तरह से यहाँ कितने नंबर थे, दो से हमने कितने जीरो लगाए, दो जीरो लगा दिए। और थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट आपके पास रिड्यूस टू, reduce it to lowest form। अब देखिए स्टूडेंट जब आपके पास पॉइंट खत्म हो गया है, पॉइंट खत्म हो गया, नीचे 1 लग गया, ऊपर आपके पास 25 बन गए, नीचे आपके पास क्या बन गए, 100 बन गए। अब इसको हमने फर्दर उस फॉर्म तक लाना है जब तक ये एक टेबल से मजीद डिवाइड ना हो सके। अब देखिए इन पर आपके पास 5 पे टेबल जा रहा है, 5 7 35 इतना ही, इसको अच्छी तरह से तैयार करें और फिर उसके लिए इसको बेहतरीन सर्विस देते हैं। बहुत शुक्रिया।